नहीं बन, 1.25 करोड़ एक्स मुस्लिम इंडिया वाले कहाँ है, वो 24 लाख एक्स मुस्लिम पाकिस्तान वाले है कि नहीं, कहाँ है सब देखना है मुझे भी। एक्स मुस्लिम साकिब को मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, एक्स मुस्लिम साकिब आप प्रूफ करें मुझे, प्रूफ कीजिएगा कुछ सूरह वूरह याद है कुरान का, याद है ना, चलिए सुनाइए। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يزل كيدهم في تذليل وارسل عليهم طيرا أبابيل تربيهم بزهرة من سلسل فذلهم قاسف معقول। वाह ठीक है, तो ये उगलेंगे अपना जहर इस्लाम के बारे में, समझ रहे हैं। तो इनका टेस्ट क्या है एक्स मुस्लिम साबित करने का, सूरह पढ़ के सुना, सूरह पढ़ के मुझे यहाँ पंडित सुना रहे हैं, सूरह पढ़ के यहाँ साध्वी जी सुना रही विद तजवीद, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक का आयन की तजवीद के साथ सुना रही आपको, तो क्या एक्स मुस्लिम हो गए, सब एक्स मुस्लिम प्रूव हो गए, नहीं होता ऐसा, ठीक है नहीं होता ऐसा। इतना अच्छा तजवीद तो हमारी इतना अच्छा तजवीज़ जो है हमारी एक्स मुस्लिम एंजल जिसको लॉन्च करते हैं जफर, जिसके चैनल पे जफर हेडेक के चैनल पे 1.6 लाख व्यूज़ है, कितना है 1.6 लाख। इस वीडियो को आप लोग जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिएगा उस वीडियो पे, जफर के चैनल पे भी और एक्स मुस्लिम फरिश्ता एक्स मुस्लिम एंजल के भी चैनल पे। वैसे उनका नाम बाकायदा से कुछ और है, क्योंकि उनके चैनल पे जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर कुछ और ही माजरा निकला, जब हम लोग सोचे कि ये तो एक्स मुस्लिम है, इनको पैसे दे देना चाहिए, इनको हम लोग को मदद करना चाहिए, इनके साथ रेप हुआ, इनके साथ क्या क्या हुआ, वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे मुंह में, इनके साथ क्या क्या हुआ है, इनके पति ने इनको छोड़ दिया, इनको खुला कर मतलब खुला दे दिया है कि नहीं। फिर जफर बोलता है खुले मिले कि नहीं, खुले बोलते हैं भाई, चंद दिल्ली जाओगे तो खुले मिलते उधर है कि नहीं, दिल्ली में चेंज नहीं मिलते, खुले मिलते, तो जफर भाई खुले की बात कर रहा है और सवाब को सवाब बोल रही है। तो हम लोगों ने सोचा इतना ज़्यादा परेशानी इसके साथ, बेचारी मरती क्या नहीं करती, तो हम लोगों ने भी सोचा इसको पैसे भेज दे, तो इसके चैनल पे गए कम्युनिटी पोस्ट पे एक्स मुस्लिम एंजल का कि चलो भैया इसको पैसे दे देते हैं, कुछ हेल्प हो जाएगा, कुछ मदद हो जाएगा, भिखारी को पैसा मिल जाएगा है कि नहीं। तो जब जाते हैं इसके चैनल पे तो दिखता है कुछ नाम ही, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ये बबीता देवी लिखा हुआ है इसके फ़ोन पे पे, इसके गूगल पे पे, जब हम लोग जाते हैं तो बबीता देवी का नाम आ रहा है, एक्स मुस्लिम एंजल नहीं बबीता देवी, ये कौन है भाई बबीता देवी। तो हम लोगों ने सोचा ये भाई 1.6 लाख व्यूज़ लेने के बाद भी फेक बबीता देवी का नाम से आ रही है। गूगल पे भी मैं गया, क्योंकि ये मेरे यहाँ के मतलब के जो दाई है उन लोगों ने मुझे बताया कि फ़ोन पे पे मैं गया तो वो हुआ, तो मैंने सोचा चलो गूगल पे जाते हैं कि नहीं, अब मेरे पास गूगल पे, तो गूगल पे से जाके मैंने स्क्रॉल ये किया, तो फिर देखते यहाँ भी बबीता देवी, ये क्या माजरा है। ये एक मुस्लिम एंजल जो कह रही थी कि हम लोग सिर्फ इस्लाम को छोड़ते, जफर के वीडियो में बोल रही सिर्फ इस्लाम को छोड़ते हैं और उसके बाद क्या है हम लोग कोई धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते, ये बबीता देवी कब बन गई, कोई पपीता खा के बबीता देवी नहीं बन सकता, ठीक है ना, बबीता देवी होने के लिए अलग पहचान होता है, ठीक है। तो एक्स मुस्लिम एंजल को आज ऑफर है मेरा, आप लोग जा करके एक्स मुस्लिम एंजल के चैनल पे कमेंट कर दे हर वीडियो के ऊपर में, मेरा चैलेंज है कि वो आ जाए और मुझे साबित करे कि वो एक्स मुस्लिम है, मैं उसे इनाम दूंगा। अब इनाम कितना होगा वो आप लोग कमेंट कर दे, कितना इनाम देना चाहिए कमेंट करके बताए मुझे कि क्या इनाम देना चाहिए मुझे एक्स ये बबीता देवी को, मतलब सॉरी मुँह से निकल गया, एक्स मुस्लिम एंजल मुझे क्या इनाम देना चाहिए जब वो आएगी। मज़े की बात यह है एक्स मुस्लिम एंजल के साथ, एक मज़े की बात यह है कि जब वो अपना स्टोरी पूरा स्क्रिप्टेड स्टोरी बता रही होती है जफर के चैनल पर, कोई 2 रुपया कमेंट कर रहा है, दो रुपया पॉकेट में मेरे नहीं है मैं हाँ वो लिंक सब मांग रहे, लिंक आप पब्लिश कर दें, 100 रुपये में दूंगा धानी। हम लोग सुन रहे थे जफर के चैनल पे 1.6 लाख व्यूज़ है और वो बोल रही है मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, तहज्जुद भी पढ़ा, चास भी पढ़ा, नमाजें भी पढ़ी, कितना पढ़ा वो सुन लीजिए आप ही लोग, कितना पढ़ा 1 करोड़। मैं करोड़पति नहीं चला रहा हूँ इसलिए मैं 1 करोड़ इनाम नहीं दे सकता, 100 जूते वाला भी पसंद है। हाँ ये अल्लाह ठीक है अब तक, और मेरे एक मुफ्ती साहब फेवरेट भी थे, उनका नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन मेरे मुफ्ती साहब उस टाइम फेवरेट थे। नाम नहीं लेने का, नहीं तो भांडा फूट जाता, तो नाम नहीं लेने का, आगे बढ़ने का, ठीक है, फिर भी नाम मत लो, फिर भी हम लोग आपको ये करेंगे। वो जैसे बोलते थे ठीक है, वो जैसे बताते थे कि एक टाइम अगर आपका नमाज मतलब बचपन से, जैसे कि हमने मान के चलिए कि 8 साल के बाद नमाज स्टार्ट की या 10 साल के बाद हमने नमाज स्टार्ट किया, मान लीजिए हमने 10 साल के बाद नमाज स्टार्ट किए, तो 10 साल के पहले जितना मेरा हुआ 7 साल से नमाज वाजिब होता है ना, फर्ज होता है, हां वाजिब हो जाता है 7 ही साल से इनके लिए, ये एक्स मुस्लिम है ना, ये थोड़ा एडवांस वाले मुस्लिम होते हैं, तो 7 साल से इनका ये हो जाता है, 7 साल से ही नमाज फर्ज हो गई इनके ऊपर, ठीक है ना, नमाज में पढ़ते क्या वो हम पूछेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या पढ़ रहे थे, लेकिन 7 साल से फर्ज हो गया नमाज। 4 रुपए 50 पैसे कौन कमेंट कर रहा है, 4 रुपए 50 पैसे भी मैं दे सकता हूं, ठीक है आज लाना है उनको यहां पे है कि नहीं, घसीट के लाना है यहां पर, उनके चैनल पे कमेंट कीजिए, उनको घसीट के लाइए यहाँ पर, देखेंगे कैसे एक्स मुस्लिम, ठीक है ना, क्योंकि एडम और एक्स मुस्लिम एंजल ने धुला दी धोल क्या बोलते हैं उसको धो दिया मोमिन, एडम और ये साहिल और एक्स मुस्लिम एंजल ने धो डाला मोमिन को, भाई मोमिन बैठा हुआ है, आओ मेरे कपड़े धो दो, काले रंग का कपड़ा है गंदा कम होता है, लेकिन धो दो टोपी, धो दो मेरा टोपी गंदा हो गया, धो दो आओ, मैं तो वेट कर रहा हूँ किसी का। तो 7 साल के बाद 3 साल बच गया, तो उन्होंने बताया कि 3 साल मतलब आपको 3 साल की नमाज को साथ में कजाए नमाज जो होती है ना वो पढ़ना है, ठीक है ठीक है। मुफ्ती साहब भी फेवरेट वाले कौन से थे, 3 साल का नमाज आपको कजाए उम्री पढ़ना है, ठीक है ना, ऐसे तो कजाए उम्री
कुछ इस तरह की चीज होती है, लेकिन चलिए और सही को आर्गुमेंट अभी ले लेते हैं कि कजाए उम्र पढ़ी थी, चलिए देखते क्या पढ़ी। हाँ, हर नमाज के साथ आपको हर एक का जो फर्ज नमाज का होता है, जैसे कि हमने जोहर पढ़ रहे, तो जोहर में चार रकात फर्ज होता है तो वो पढ़ना है। जैसे कि आप असर पढ़ रहे तो चार रकात आज के डेट का और चार रकात 3 साल पहले वाला, ठीक है, चार रकात उसका फर्ज पढ़ना। हाँ, कजा वाले, फिर ठीक है ना, बराबर यहाँ तक तो सही चल रहा, बराबर 100-1300 मेरा बराबर, ठीक है ना, चार रकात जोहर का पढ़े थे, चार रकात कुरान पढ़े थे, चार रकात फिर असर का पढ़ी थी, चार रकात कुरान पढ़ी थी, यहाँ तक तो ठीक था एक्टिंग। इसके बाद देखिए कैसे ओवर एक्टिंग में फंस जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, ईसा के टाइम में आपको असर हो गई फर्ज हो गया 3 रकात, ईसा के टाइम में आपको असर हो गई फर्ज हो गया 3 रकात। सुना आप लोगों ने, ईशा के टाइम में कितना फर्ज है 3 रकात। तो एंजल हमारी जो है एक्स मुस्लिम एंजल 3 रकात ईशा की नमाज पढ़ती थी, 1 रकात कौन पढ़ेगा भैया, अभी पढ़ लो कजाए उम्र जितना 3 रकात पढ़ रहे थे अभी तक। अब हम मुफ्ती साहब बनना चाहते हैं आपको और बोलना चाहते हैं कि 1 रकात नहीं हुआ, 1 रकात आप पढ़ो 1 रकात, कितने दिन का पढ़ोगे, 3 रकात फर्ज पढ़नी थी ये ईशा की नमाज में, ठीक है ना, ये है पक्के थप्पा वाले इस मुस्लिम हमारे, है कि नहीं, करेक्टेड प्रूव, सूरह फातिहा पढ़ के सुना दिया और ये सब सुना दिया, 3 रकात फर्ज ईशा में। कौन सा मुसलमान है जो इसको पता नहीं कि 3 रकात होते हैं ईशा में, या कितने रकात होते हैं ईशा में, क्या स्क्रिप्टिंग है, क्या जफर, ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा 1.6 लाख का व्यूज का भंडारा और वहाँ दीदी जिंदाबाद और दीदी की जय हो और इंसानियत जिंदाबाद और जफर का प्रणाम और जफर का नाम महान, ठीक है, तो ये सब हो रहा और यहाँ 3 रकात ईशा की 3 रकात होती है, हमें तो पता ही नहीं था, ये तो आपने इजाफा कर दिया हमारे नॉलेज में, ये तो मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा, है कि नहीं। 3 रकात ईशा की नमाज पढ़नी थी, 5 बार कुरान खत्म की थी, चलिए देख लेते फिर, हो गया 3 रकात हो गया ना, ये सब जो होती है सलास, इसको पता भी नहीं होगा सलास का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, खलास हो गया इसका सलास बोलते बोलते, ये आपको पढ़ना है, मतलब उसका भी इसका भी, ऐसे करके हमने उसको भी मुकम्मल कर लिया, सोच लीजिए आप बचपन वाला, उसको भी हमने पूरा कर लिया, वो नमाज को भी, और तहज्जुद भी पढ़ते थे, क्या बोलते चाश्त की नमाज भी पढ़ते थे सुबह, मतलब सब पढ़ते थे, अरे कौन नमाज जो है, जनाजा की नमाज भी पढ़ते थे, है कि नहीं, अपनी जनाजा पढ़ लेते थे, नहीं तो किसी और चीज, लेकिन जनाजा का अजान भी दे देते थे, है कि नहीं, जैसे भी हमको टाइम मिल रहा हम पूरी इबादत में लगाते थे, और रमजान में तो पक्का 5 कुरान तय था, ठीक है, कभी 5 कुरान, ये सब याद रखना है एक मुस्लिम एंजल, यहाँ घुसने से पहले, यहाँ घुसो कि इनाम के लिए यहाँ रगेत, मतलब कि हम लोग आराम से उसको पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम और सब चीज़ करेंगे, उसके बाद 5 बार कुरान खत्म करने वाले हर रमजान, ठीक है ना, चाश्त इशराक अवाबीन सब पढ़ने वाले, कभी हो जाता था कि चलो 3 कुरान या फिर 4 कुरान पढ़ लिए, लेकिन 5 तो मतलब मोस्टली हम चाहते थे कि 5 कुरान हो, क्योंकि बचपन से ही हम 5 कुरान खत्म करते आ रहे थे और वो पढ़ के उसको अपने लिए रखना, जैसे कि जब हमने उसको मुकम्मल करते थे तो 28 तारीख को हो गया या 27 को हो गया, यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 28 को हो गया 27 को हो गया, जो ताक रातें उसके बारे में बता रही, लेकिन इसको फिर याद आया कि 28 तो जागने वाली रात होती नहीं है, शायद गलती हो गई मुझसे, तो वो करेक्शन करता है, रमजान को जागना या 28 को जागना या 28 को जागना या 28 को जागना, गड़बड़ हो गई, तो वो बोलती करेक्शन करना चाहिए, 28 को तो नहीं जागते, 29 को जागना, तो ये चीजें हम करते थे, 28 को नहीं 29 को जागा जाता है, 27, 29, 25, 26 ऐसा करते, 27, 29, 25, 27 लिखिए, नोट डाउन कीजिए, 27, 29, 25, 26 सबको ही जागे, ठीक है ना, ये सब दिनों में ये कौन वाले एक्स मुस्लिम है भाई, जो कि 25 पहले 28 बोला तो बोला नहीं नहीं 28 को नहीं जानते, फिर बोलती 27, 25, 26 सब में जाग रही है, ठीक है, सब में शबे कदर, फरिश्ते इनके लिए आ रहे हैं स्पेशल और इनके लिए 1,000 का सवाब है कि नहीं, क्या है ये सब, क्या करना है, ठीक है, तो एक्स मुस्लिम एंजल को कितना इनाम दिया जाए आ जाने का कि वो आ जाए, क्षमा तो नहीं आई, एक्स मुस्लिम एंजल जो है, जो पक्की एक्स मुस्लिम है, वो कितना पैसा लेंगे आने का, धुलाई करना, और इन लोगों को कुरान भी पढ़ने नहीं आता, इससे अच्छा तो ये साध्वी जी पढ़ रही है, ये साध्वी जो देखिए इनको मैं सुनाता हूँ, देख रहे, तो ये कितना अच्छे से तजवीद के साथ सारी चीज़ों के साथ पढ़ रही, अब सुनो एक्स मुस्लिम फरिश्ता को, मेरा लुल्लू सा फरिश्ता ये पढ़ेगा अभी कुरान, सुनो रहीम, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ठीक है, अभी सब लोग ताली बजाएंगे इसके लिए, ठीक है ना, एंड में गौर से देखते जाइएगा, ये पढ़ रही है कुरान, या अय्युहल्लज़ीन आमन, चलो मैं इसको सिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा दीनकुम, फिर से पढ़ो, अभी मेरे पास स्टिक रहता तो मैं मारता, फिर ये बोलेंगे कि बच्चों को मारते हैं, हमको मारा मेरे मौलाना साहब ने, एक भाई को, तो एक एक्स मुस्लिम कौन था वो, मैं मौलाना एक्स मुस्लिम ने छोड़ा इस्लाम, उसके साथ तो रेप ही हो गया था, ठीक है ना, इसके हर स्टोरी में रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सेक्स हो रहा है, ठीक है, हर स्टोरी में वही है, ठीक है, जो भी एक्स मुस्लिम की स्टोरी उठाई, पता नहीं ये एक्स मुस्लिम को ला रहे होते हैं या रेड लाइट एरिया से लोगों को उठा रहे होते, मुझे नहीं मालूम कि एक्स मुस्लिम को लाते हैं अपने चैनल पर या रेड लाइट, क्योंकि शुरू ही कहानी सेक्स से होता है और एंड भी सेक्स पे हो रहा है, भैया कहाँ से ला रहे हो, रेड लाइट एरिया से उठा ले रहे हो क्या इन लोगों, तो मेरा ये कहना है कि ये मैं मारूंगा, स्टिक लेके रखा हूँ लेकिन आज नहीं मारूंगा, ठीक है ना,
मैं बस सिखाऊंगा आज इसको, ठीक है ना। दीन हुकुम नहीं, दीन हुकुम नहीं, दीन हुकुम, ठीक है। जब हम लोग में दो तनवीन होता है, दो जबर होते हैं साथ में, तो आगे वाले जो हर्फ होता है ना उससे मिलाया जाता। कौन पांच बार कुरान खत्म करने वाले को मुझे पढ़ना, मैं तो एक बार ही खत्म करता था भाई शुरू से, और तुम पांच बार खत्म करके नहीं आ रहा तुमको पढ़ने। कैसा खत्म कर रहे हो, पूरे ही खत्म है। मेरा मतलब है कि खत्म कैसे कर रहे, कोई गलत मीनिंग नहीं निकालेगा एक्स मुस्लिम एंजल की। किताब को किताबे है ना, अबे सुन बे किताबे, ठीक है ना, बस हो गया इसका। वल कुफ्र, वाह क्या क्या मतलब क्या कहने हैं। अरे यही लोग तो चाहिए भैया स्ट्रीम में, मैं थोड़ा पढ़ाना चाहता हूँ इन लोगों को, थोड़ा बताऊँ, थोड़ा सिखाऊँ, थोड़ा इतना ज़्यादा फेक। और इसका अगर आप लोगों को पता है तो इस फरिश्ता नामक एक्स मुस्लिम एंजल का अपना एक पेज भी, चैनल भी है, जिसमें 24,000 सब्सक्राइबर भी है। तो मुझे तो उम्मीद है कि ये मतलब कि उस तरीके से जो मैंने बोला ना कि कहाँ से उठा रहे हो एक्स मुस्लिम को, वहाँ से अगर नहीं होंगे, क्योंकि अभी 11 बज रहा है, 11:30 बज रहा है, काम का टाइम भी है, मतलब काम का टाइम मतलब कि स्ट्रीम का टाइम, कोई गलत मीनिंग नहीं निकालेगा। तो काम का टाइम मतलब कि स्ट्रीम का टाइम है, तो आना चाहिए। वल कुफ्री, ठीक है ना, वल कुफ्री, ठीक है ना। इन्नी कुंतुम मुमिनीन, अरे भाई कहाँ है मेरा स्टिक, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा इसका, हो गया तो नहीं था। देख लिया पांच बार कुरान खत्म करने का नतीजा, देख लिया आपने लापरवाही का नतीजा, वो अमिताभ बच्चन वाला जो आओ भैया कितना इनाम दो। एक्स मुस्लिम एंजल उर्फ बबीता देवी, ठीक है, लेके आओ, लेके आओ एडम को, लेके आओ साहिल को, लेके आओ, लेके आओ।